guys, assalamu alaikum. This is me Umra and welcome back to my another vlog. So guys, मैं घर से 2 घंटे पहले निकली थी देवशा के घर के लिए and I'm standing beside her house. और उसको कोई भी क्ल्यू नहीं है that how to enter her house. But उसके घर में डॉगी है तो मुझे डर भी लगता है. अंकल, देवशा का घर यही है ना? आप ही हो उसके मामा है ना? वही, मुझे डर लगता है. गाइस, ये देविशा के मामा है, बट उसको ये नहीं बोलना है कि मैं आई हूँ, ठीक है? मैंने बोला है, मैंने पापा को भेजा और मैं भी उसी से बात कर रही थी. और मुझे डॉगी से बहुत डर भी लगता है. सो गाइस, मुझे पता था कि मैं देविशा के मामा का नीचे में शॉप है, तो यहाँ पे है अंकल और इन्होंने पहचान लिया मुझे, पता नहीं कैसे. बट आई वॉन्ट देविशा नीचे, बट वो मैं नहीं हूँ. बोलना कोई आया है, कोई अंकल टाइप आए, तो लेट्स सी वो कैसा रिएक्शन देती है. गाइस, देविशा को शक तो है कि मैं आ रही हूँ और देविशा की आवाज भी आ रही है. देविशा नीचे आओ, डॉगी है ऊपर, मैं नहीं आऊंगी. आ जाना जल्दी, तैयार नहीं है ना वो. देविशा जल्दी खोल. देविशा भागते हो भाई, मेरे को डैनी से बहुत डर लगता है. देविशा ऐसे मत कर, ऐसे मत. तो अंकल मुझे, हेलो अंकल, नमस्ते, वेलकम वेलकम. मैं अगर बोलती ना तो आपकी बेटी तैयार होने लगती. देविशा को शर्म आते हुए और हमसे मिल भी नहीं रहे, बेचारी बीमार. मैंने बोला बीमार को प्यार दे देते, इसको शक्ल नहीं दिखा, मेकअप करके दिखाएगी गाइस शक्ल. ओ गॉड, हो रहा है तुझे खुशी नहीं है मैं तुझसे मिल आई? तो इतनी उदास थी. हाँ, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है दोस्तों की. हाँ गाइस, हाँ करके दिखाऊंगी. सही में तबीयत खराब थी, मुझे पता है आंटी, दादी के लिए. ओ हो 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 हो. ईशा, क्या लेकर आई हो? सैंडविच है, सेव है. क्यों लेकर आई हो? इतनी फॉर्मेलिटी दिल्ली में तो नहीं करती हो? दिल्ली में अपना घर नहीं है ना, यहाँ अपना घर है तो सब कुछ नहीं है. आ? और ये कहाँ गई बिना मेकअप की? देविशा वो गई मेकअप करने. ये इस आइडिया आ रहा हूँ खराब. क्या 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 ऐसा? देविशा का कहना है कि उसकी बेइज्जती हो रही है. क्या ये सुंदर नहीं है? मेरी मम्मी इसको इलियाना डिक्रूज बोलती है. देखो ना तुम कितना इतराती हो देविशा. अभी इसकी मम्मी से कंप्लेन करते हैं गाइस. मेरे घर में ये खाइए और ये सारे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं. बहुत शर्माते, मुझे नहीं पता ये लोग इतना क्यों शर्मा रहे. मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं पहली बार आई हूँ. आओ ना देविशा, तुम बीमार हो ना कोई बात नहीं. चंदा, मेरी चंदा. ये क्या है? मत रो देविशा, सब ठीक होगा, सब ठीक. गाइस, यू शुड बी यू व्हेन यू बी विद पीपल हु लव्स यू. पता नहीं मुझे नाश्ते में क्या क्या मिला है. देखो ये क्या है, ये क्या है? सैंडविच, सैंडविच है वो. ये क्या है? ये क्या है? ये मुझे मिठाई विठाई नहीं पसंद है. दैट इज अ परंपरा ऑफ पटना आई गेस, मिठाई देना. ये ले देविशा. देविशा कुछ नहीं करके आई है मेकअप में, पर शक्ल ऐसे नहीं दिखाई जैसे इसने कितना मेकअप किया. लाइट नहीं आ रही इसकी शक्ल पे. ये भी सुंदर है गाइस, देखो गौर से. मैंने मेकअप किया है, वैसे हम लोग दोनों सेम सेम है, ठीक है? और बेइज्जती करनी है. मेरा प्यार गाइस, ये दिल्ली नहीं चल रही है मेरे साथ वापस, और मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ वापस दिल्ली, ठीक है? आई लाइक हर दिस रिंग, पर ये मुझे देती नहीं है, पता नहीं क्यों. इसके घर में बहुत बड़ा डॉग है और वो आप लोगों को पहले ही दिख गया होगा. और मैं शांति से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि वो डॉगी बंद है बेचारा. खोल दो, जाओ जाओ. नहीं यार, नो 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 नो. ये लोग मुझे डरा रहे हैं और ये ईशा मुझे धमकी दे रही है बार बार कि डॉगी खोल देंगे, डॉगी खोल देंगे और ईशा को मार देंगे. इसका क्या नाम है? टिया, टिया, टिया को देखो ऐसे. यार ये लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं कैमरा देख के, मुझे नहीं पता. मैं इनके घर पहली बार आई हूँ, देखो लेट गई. मैं हमेशा कॉन्शियस होती हूँ. क्या देविशा? मैं हमेशा कॉन्शियस होती हूँ और गंदे एंगल पे तो और ज्यादा. आओ फ्रेम में आ जाओ, आ जाओ फ्रेम में, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ. देखो भाई डैनी नहीं खोलना, बाकी सब
खोल सकते। अरे वो सिक्कर लगा रहे आंखें खोलते थोड़ी। ये लोग मुझे डरा रहे हैं, बट आई नो ये लोग खोलेंगे नहीं, बिकॉज इनको मुझसे नहीं प्यार है, बट डैनी डैनी से तो प्यार होगा। अगर मैंने उछला कूदा तो उसको तो लग जाएगी चोटी। यू गाइस डोंट लव मी, यू गाइस लव डैनी राइट। बोले आई नो ये लोग खोलेंगे नहीं, अभी खोलना पड़ेगा, अब दिखाना पड़ेगा भाई जम्मा घर आई है। देखो ये व्लॉग वायरल हो जाएगा। उमरा को नहीं 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 नहीं, मेरी बहुत गंदी लगती है इससे, ठीक है। आंटी बहुत स्वीट है, मैं आंटी को भी अभी कैमरे में लूंगी। आंटी अभी काम कर रही है, वो बेचारे थक कर आया ट्रैवल कर और देवेशा आंटी को बार बार पोक करिए वेयर इज डैनी, तो मुझे पता आंटी नहीं खोलेगी। नहीं खोलोगे ना आंटी? देखा नहीं खोलेगी, ईशा खोलेगी ना। दिल्ली चलना है वापस? नहीं चलना है मेरे साथ? नहीं आपके साथ नहीं चलना है, अकेले जाना है। अकेले जाना है? बच्चे कितने गंदे होते हैं गाइस, मुंह पे बेइज्जती करते हैं, मुंह पे। आपके साथ नहीं जाना है क्योंकि टिकट हो चुका है ऑलरेडी। छोड़ो हटाओ, मैं जा रही हूँ ये खाने, ये जो भी है ये इसकी चाची ने बनाया बहुत प्रेम से, तो मैं प्रेम प्रतिज्ञा के साथ खा रही हूँ। शटअप, प्रेम प्रतिज्ञा। अच्छा यार टेस्टी है, तुम्हारी मम्मी अच्छा बनाती है। प्रिया थैंक यू, बस थैंक यू, बस थैंक यू। ईशा इतनी मतलब इतना ज्यादा जिंदगी में पहली बार बोल रही है, मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, बट ये बोलती है दीदी दीदी, पर आज पता नहीं इसको किस कीड़े ने काटा है कि बहुत बोल रही है। स्टार्टिंग में लगता है कि फर्स्ट टाइम मिल रहे, जानती नहीं है, ठीक से बात नहीं कर सकते, बट अभी जान पहचान हो गए, अच्छे से जान गए, तो अब एकदम फ्रैंक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को पहचान तो नहीं सकते। ओ, मतलब ये मुझे पहले मेरा टेस्ट ले रही थी कि उमरा दीदी कैसी है, टेस्ट नहीं, क्या है ना, हमेशा फोटोज में देखे थे, फर्स्ट टाइम मिलना कुछ और ही हो जाता है। और देविशा को देखो, मुझसे कोई प्यार ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई है, को खोने गई है। मिली नहीं है ना आप आज तक, वो भी रिएक्शन आएगा ही आएगा लास्ट में, वो जरूर आएगा, वो तो जरूर आएगा। गाइस कैमरा खोलने से पहले मुझे देविशा ने ऐसा बोला था कि वो कुछ बोलेगी, बट आज के बाद देविशा के साथ नो व्लॉग, ठीक है। वो बहुत कॉन्शियस है और अगर व्लॉग होगा भी तो देविशा के मेकअप में, बट शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप। और दूसरी बात, इतना सेवा मेरे बस का नहीं है। क्या हो गया? खाना का दिखा रही हूँ, कितना खाया तूने? हाँ बहुत बहुत खाया, बहुत ज्यादा। इतने छोटे छोटे बच्चे से काम करवा रही है। हाँ मैं जा रही हूँ आंटी की हेल्प करने, बस मेरे को डर है। आओ पहले आंटी से मिल लो। हेलो आंटी। वैसे मैं मिल चुकी हूँ, कैमरा वाला मिला है। आंटी बहुत सुंदर है, बट आंटी भी बिना मेकअप के, पर वो कॉन्शियस नहीं है देविशा की तरह, है ना आंटी? और देखो आंटी, मैंने मेहंदी लगाई है। तू तो ऐसी ही क्यूट और बहुत ब्यूटी हो। इतनी तारीफ मान लो माई हो। देखो वो दूसरा ब्लॉग बना रही है जिंदगी में। बस मुझे डर लग रहा है बार बार कि डैनी ना आ जाए, बट वो बंधा हुआ है। अरे डैनी आ गया, आ गया डैनी, आ गया क्या? नहीं आया, डैनी आ गया। आंटी ने सारा काम कर लिया गाइस, वैसे भी मैं काम चोर हूँ तो बैठ जाते गाइस। ये मैजिक बुक में कुछ है, तो मैं यहाँ नहीं आई थी, बट देविशा ने और आंटी ने मुझे बुलाया था और मैं उस टाइम दिल्ली में थी। मैंने वीडियो कॉल पे आंटी को एंजॉय करते हुए देखा था। तो ये आंटी के सिल्वर जुबली का, हाउ स्वीट, देखो इसमें देविशा चुड़ैल दिखेगी तो हम दिखाएंगे। आंटी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो इसमें। मैं काश पटना में होती। ये मुझे बड़ा पसंद है, ये इसको क्या बोलते हैं? लहंगा? नहीं लहंगा, अच्छा, नहीं वो कमर बंद, कमर बंद नहीं है यार, वो लटकून। हाँ, लटकन 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 कुछ भी यहाँ भी बांधा जाता है बेटा। हाँ नहीं नहीं ये नहीं नहीं, नहीं वो लट ब्लाउज अच्छा, के पीछे और वो उसके पीछे। आंटी का फेस कट मुझे बहुत पसंद। ओहो चुड़ैल देविशा इसमें नहीं है? नहीं है, नहीं है, यहाँ यहाँ। मैं बहुत गंदी लग रही थी उस दिन भी। हाँ नहीं दिखेगा गाइस, देवेशा हमेशा गंदी लगती है। और अगर मेरे कमेंट में किसी ने बोला देवेशा अच्छी लगती है, सो आई एम गोना किल हर, बिकॉज वो इतनी कैमरा कॉन्शियस है, मैं क्या बताऊं। मेरी मम्मी उसको बोलती है वो इलियाना डिक्रूज लगती है, बट उसको ना ज्यादा भाव हो गया है, तो इसीलिए ये क्या कर रहे हो? ये कौन है? क्यों रही हो? क्योंकि अभी मैं
अपने फियर को थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई नो वो होगा नहीं। और अगर उसका स्ट्रिप खुल गया तो मैं नहीं यार, मत लाओ। अभी नहीं, वैसे वो जो फेस बनाए हुए थे एकदम डरा हुआ था, वही बनाओ ना, बहुत अच्छा लगा। अभी भी डरा हुआ है बट ठीक है यार, मैं दूर से हाय बोलूंगी यार, प्लीज। नहीं 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 प्लीज नहीं, वो सूंघेगा सर। नहीं हमको सूंघा कोई शौक नहीं है। बस एक बार तुमको सूंघेगा और तुमको किस करेगा गाल पे। नहीं 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 प्लीज बहन, नहीं प्लीज प्लीज नहीं। फेस देखने लायक है उम्र तुम्हारा, मजा आ रहा है देख देख के, अब हमको मजा आ रहा है। नो ब्रो गाइस, मैं थक चुकी हूँ यहाँ पे खाना खाते खाते। मतलब क्या है कि मतलब मैं यहाँ पे सुबह से भूखी आई थी और कंटिन्यूटी में मेरे पास खाना आ रहा है। वैसे देवशा पे रेड कलर अच्छा लग रहा है ना। तूने कुछ नहीं किया बाबा मेकअप में, लेकिन तूने ड्रामे इतने किए, लोग भी बोलेंगे पता नहीं कौन सा मेकअप करके आई। वो बीमार थी, उसने बस बाल खोला है। ठीक है देवशा दीदी, बड़ी बहन है मेरी, आया था ना, तू क्यों खा रही है? मेरी लिए भी आया है। तू क्यों खा रही है? और बीमार भी है देखा, सामने से मेरी मेहंदी का फ्लेक्स ब्रो। देखो देखो रूम में मत भागो, अब तुम कोशिश मत करो, तुम नहीं बच सकती हो यार। हम दूर से देखेंगे पहले। हाँ चलो चलो दूर से। और लाइट्स ऑफ है वहां पे भी, बालकनी में है वो। अरे भाई यार का लाइट ऑन करने दो। आंटी मेरे पास ही हुआ है तो ऑन करो जोर से दबाइए। मतलब वो आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा, खोल भी देंगे। रुक जाइए रुक जाइए, एक बार जाओ ठीक है। आंटी को दीना। ओ गॉड, डैनी डैनी कौन है? डैनी 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 फ्रेंड डैनी उमरा दो बिस्किट लाके दो ना उमरा। हाँ देख देख देख, मैं भी छू लेती हूँ। कुछ नहीं करता, आजा 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 आजा, दे हाथ दे हाथ दे, कुछ नहीं करेगा पक्का पक्का। हाँ सेकंड करो तो करेगा। नहीं मेरे को इनके पैरों से ही डर लग रहा है। सूंघ लो बेटा सब। क्या डैनी अब ठीक हो? मेरी शक्ल देखने लायक। तू वहां पे जाके बैट में लेती हूँ, इतनी हिम्मत बिस्किट खिलाएगी देख ट्रीट देने पे। हाँ तेरा फियर ना दिख रहा है फेस पे, तेरे फियर दिख रहा है। मैं कांप रही हूं भाई। नो डैनी नो डैनी नो, गुड बॉय। आइए ना, इन्हें बच्चों का इंटरेस्ट देखो जरा। कुछ नहीं करेगा बेटा, क्या हो गया यार? कि कितने इनोसेंट होते पर मुझे नहीं पता, डर लगता है। क्या हो गया क्या हो गया? तेरे को देख के कुछ बोल भी नहीं रहा, मतलब भौंक नहीं रहा है तेरे को देख के। हाँ, ऐसे यूजुअली किसी को देख के बहुत वो फील होता है ना कि इंसान अच्छा है। आई एम अच्छा इंसान ब्रो, मैं अच्छी हूँ। हाँ मैं अच्छी हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? बोलो कुछ बोल रही है तुमको? हाँ हाँ इसको प्यार चाहिए। दीदी को मैं प्यार करती हूँ। ओगो ना मैं क्या जानती हूँ कैसे है। बहुत बड़ा है वो, छोटा भी नहीं है। डैनी इट्टू से आए थे तुम, इट्टू से पता है तुम, इट्टू से आए थे तुम। वो खुद ही डर रहा है। गुड बॉय, 1 मिलियन लाइक्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो। दीदी से भी करो खुला। नहीं यार मैं नहीं कर सकती, वो तो कर ही लेगा। ओहो मैं
बहुत खुश है पता है, उसका फेस देख के पता चल रहा है कि वो बहुत खुश है। हाँ बहुत खुश है देख के वो। क्यों तुम ये जॉली को छुओ तो जॉली को पकड़ो। हाँ नहीं फिर भौंकेगा वो। भौंकेगा नहीं कर रहा कुछ देखो ना। पहली बार वो समझ गया है मतलब वो काइंड ऑफ पहचान गया तेरे को। नहीं मैं बताती हूँ तुम्हारा बीट बहुत अच्छा है। हमको मारी हो क्या 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 फिर से। उम्रा का दिल बहुत अच्छा है और इसको पता है, इस डॉग को पता रहता है कि कैसे लोग होते हैं। जो लोग अच्छे इसको पसंद नहीं आते उसे बहुत भोगता है। इसलिए ये अच्छे इसलिए लाइक कर देना। बहुत है ना, बहुत अच्छी है ना। इसको बहुत मजा आ रहा है, तुम्हीं को देख रहा है वो। क्या हो गया क्या हो गया। जैसे आप जाएंगे वैसे आपको ढूंढने लगेंगे। गाइज आई एम लिटरली शिवरिंग। इन लोगों ने मुझे डॉग से भी मिला दिया। मैंने टच किया वो भी इतने बड़े डॉग को जिंदगी में पहली बार। और देवशा कैसे उसके पास चढ़ जाती है। और आंटी के तो वो ऊपर था भाई साहब। और आंटी खुद बहुत अच्छी है इसीलिए आंटी ने कहा दैट मैं अच्छी हूँ इसीलिए डॉग बार्क नहीं कर रहा है। सो यू नो व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स यू आई रियली फील सो गुड। तो अभी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग बचे हैं देवशा। जरूर। कब छोड़ के भाग रही है तुम मुझे? कल परसों। मैं भाग रही हूँ इसको छोड़कर कल परसों में जल्दी बैक अगेन। आई विल बी इन दिल्ली और उसके बाद देवशा भी आएगी। सो यस गाइस देवशा को आप सब जानते हो, कोई नए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पेट से मिलके मुझे अच्छा लगा। डर तो लगा बहुत ज्यादा लगा, डर लगा लेकिन ठीक है। एक बार में डर जाता भी नहीं है यार। और उसका भाई देखो, ही इज मगन इन प्लेइंग बाय हिमसेल्फ। देवशा कुछ बोल नहीं रही है पता नहीं क्यों। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरी तबीयत खराब है पता है तेरे को। देवशा बीमार है यार सच में, वो बीमार है। और आंटी को देख लो, वो पूरे टाइम काम ही करते जा रही है और मुस्कुराते ही जा रही है। सो गाइस बात है ये दैट आई हैव डन एंडलेस टॉक। बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा प्यार मिला। मैं देवशा के घर पहली बार आई थी बट मैं उसकी मम्मा पापा और बहनों से तो पहले मिल चुकी हूँ। देवशा बुला रही है इसको, ठीक है मैं मिल चुकी हूँ। आंटी मुझे बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानती थी बट इसकी वो कौन है, वो चाची, मैं उनसे पहली बार मिली, इन बच्चों से पहली बार मिली। बट आई फेल्ट सो नाइस। मतलब अपनापन कौन नहीं ढूंढता यार अपनों में। और जब आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हो। देवशा ऐसे है जैसे इसको यू नो कैमरे पे नहीं है सो इट्स ओके। हम बहुत देर से ऐसे बैठे थे तो अब मैं इस व्लॉग को अभी यहाँ पे हूँ बट स्टिल आई एम एंडिंग। तो आप लोगों ने मेरा छोटा सा ग्लिम्स देख लिया देवशा को सरप्राइज करते हुए। और ये वीडियो खुद ही बहुत सरप्राइजिंग बनी है, मैंने कोई प्रोफेशनल नहीं बना बिकॉज ये भाग रही थी, इसके मामा नीचे खड़े थे। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, मेरे फोन में बैटरी नहीं थी एंड आई वॉज शूटिंग। तो हाँ गाइज यू लाइक माई व्लॉग, नहीं भी किया होगा तो भी करना पड़ेगा बिकॉज मैंने डाला है। So yes guys, thank you so much for watching this video. If you liked my video, जो बच्चा वो बोल रहा है वो कहना है, if you liked my video, do like, share and comment and subscribe and thank you so much for watching this video. Thank you.